नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। टीकाकरण महाअभियान में युवाओं ने बनाया नया रिकॉर्ड। 88,000 शिक्षकों का ब्यौरा पोर्टल पर होने लगा है अपलोड। बिहार के आम और लीची के पेड़ अब दिखेंगे जम्मू में भी। बिहार सदन में बनाए गए 100 से ज्यादा कमरे। बिहार के शहरी इलाकों में भी मंडराने लगा बाढ़ का संकट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। टीकाकरण महाअभियान में युवाओं ने बनाया नया रिकॉर्ड। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसी क्रम में बीते दिन से बिहार में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के शुरू होते ही बिहार के युवाओं का गजब जोश देखने को मिला, जिसके तहत महाअभियान में रात 9 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 488,732 लोगों को वैक्सीन देने का काम किया गया। इतना ही नहीं, महाअभियान को सफल बनाने के लिए टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई थी, जिसका असर भी दिखा। इस दौरान 18 साल से ज्यादा के युवाओं ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के शुरू हुए महाअभियान में इस आयु वर्ग के 381,345 लोगों को टीका लगाने का काम किया गया है। इसके साथ ही कोरोना को हराने के लिए शुरू हुए महाअभियान में बिहार के 3 जिले भागलपुर, मधुबनी और पटना ने बाजी मारी है। रिश्वत लेने के आरोप में पटना के इस इलाके के 3 जवानों को किया गया सस्पेंड। रिश्वत लेने के आरोप में बीते दिन राजधानी पटना में एसएसपी ने रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के एक होटल संचालक से घूस लेने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के साथ साथ रिश्वत लेने के जुर्म में तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार एक होटल में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने सिटी एसपी को मामले की जांच का आदेश जारी किया था। हालांकि इस दौरान सिटी एसपी न्यायालय में गवाही के लिए गए हुए थे, जिसके कारण ही उन्होंने फोन करके जवानों को तत्काल मौके पर पहुंचने के लिए कहा, जहां घटनास्थल पर पहुंचकर जवानों ने होटल संचालक को धमकाया और उससे 4,000 रुपए रिश्वत के रूप में लिया और बाकी के पैसे अगले महीने लेने की बात बनी, जिसके बाद होटल संचालक ने ही इस पूरे मामले की जानकारी एसएसपी को साझा की। बिहार के आम और लीची के पेड़ अब दिखेंगे जम्मू में भी। बिहार के आम और लीची के पौधे अब आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलने वाले हैं। बिहार के आम और लीची के पेड़ को जम्मू में लगाने के लिए जम्मू सरकार ने प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। इसके लिए जम्मू सरकार ने भागलपुर के सबौर में स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को मेल भेजकर आम और लीची के 5,000 पौधे खरीदने की इच्छा जाहिर की है, जिसके तहत ही अब वहां का उद्यान विभाग आने वाले 10 और 20 जुलाई के बीच इन पौधों को लगाने की विशेष तैयारी कर रहा है, जिसके बाद ही अब विश्वविद्यालय ने भी अब अपने तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं जम्मू के मौसम परिस्थितियों की बात करें तो वर्तमान समय में जम्मू में 3 क्लाइमेट जोन है। 2 जोन में इन पौधों की खेती के लायक मौसम है। वैसे भी पंजाब और उसके सटे जम्मू के इलाके में आम की खेती पहले से भी होती रही है। बिहार में आज भी कई जगहों पर ठनका गिरने के हैं आसार। बिहार में बारिश लगातार जारी है। बीते कई दिनों से बिहारवासियों को बारिश से कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल बिहारवासियों को बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इतना ही नहीं, बिहार के कई इलाकों में तो मौसम वैज्ञानिकों ने आज भी बारिश के साथ ठनका गिरने के आसार जताए हैं। आईएमडी सूत्रों की माने तो इस बार जून में अभी तक की सबसे ज्यादा स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश का वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जहां पर इस बार बारिश नहीं हुई। बारिश को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार प्रदेश में अभी तक सामान्य से 181% से अधिक 261.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके साथ ही सोमवार से प्रदेश के ऊपर वायुमंडल में सतह से 7 किलोमीटर ऊंचाई तक पुरवैया और पछुआ हवा चलने लगी है। यही कारण है कि तापमान में 1 से 2 डिग्री के पूर्वानुमान का आग्रह किया गया है। चिराग गुट के आशीर्वाद यात्रा के जवाब में पारस गुट ने भोज देने का किया ऐलान। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर लोजपा में शुरू हुए घमासान के बाद अब दोनों ही गुट में टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पशुपति पारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को संभालते ही लोजपा के चिराग गुट ने 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने का ऐलान किया है। वहीं इसके जवाब में पारस गुट ने रामविलास पासवान के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश कार्यालय में 10,000 लोगों को भोज देने का ऐलान किया है। इस बाबत पशुपति पारस ने बताया कि इसके लिए प्रशासन से अनुमति ली जाएगी। अगर अधिक भीड़ की अनुमति नहीं मिलती है तो उनके कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर मंदिर मस्जिद के बाहर लोगों को भोजन कराने का काम करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया अपना बयान। कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के आंकड़ों को छुपाने के लिए बिहार सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। वहीं अब कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान जारी किया। साथ ही आने वाले 6 महीने में 6 करोड़ बिहारवासियों का टीकाकरण कर देने की बात कही है, जिसके तहत बीते दिन टीका को लेकर शुरू किए गए महाअभियान के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले में बिहार
बिहार अभी देशभर में 21वें स्थान पर मौजूद है, जबकि जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने की लगातार कोशिश की जा रही है, इसका अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। यही कारण है कि बिहार में टीका लेने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। हमारी सरकार प्रचार करने में नहीं बल्कि काम करने में यकीन रखती है। 88,000 शिक्षकों का ब्यौरा पोर्टल पर होने लगा अपलोड। नियोजित शिक्षकों के पास अपनी नौकरी को बचाने का आखिरी मौका है। राज्य के सरकारी विद्यालय में पंचायती राज और नगर निकाय नियोजन की इकाइयों द्वारा बहाल किए गए 88,000 शिक्षकों से प्रमाण पत्र अपलोड करने की अपील की गई थी, जिसके बाद अब ऐसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्रों की निगरानी नहीं की गई है उनके ब्यौरे को सोमवार से शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने का काम शुरू हो गया है, जिसके तहत अब ऐसे शिक्षकों को 20 जुलाई तक का समय दिया गया है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पहले ही आग्रह कर चुके हैं कि नियोजित शिक्षक अगर 20 जुलाई तक अपने शैक्षणिक दस्तावेज जमा नहीं कराते हैं तो उनकी नौकरी छोड़ी जाएगी। शिक्षकों के लिए यह आखिरी मौका है, जिसके बाद अगर निर्धारित तारीख तक जरूरी दस्तावेज जमा नहीं हुए तो सरकार नियमानुकूल निर्णय लेगी। बिहार सदन में बनाए गए 100 से ज्यादा कमरे, क्या है खास बात? दिल्ली के द्वारका में बिहार सदन का निर्माण काम पूरा हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार सदन को 10 मंजिला बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। मिली जानकारी के अनुसार नवनिर्मित बिहार सदन में 89 कमरे डबल बेड वाले हैं। इसके साथ ही 19 सिंगल बेड वाले कमरे भी मौजूद है। इसके साथ ही इस सदन में 2 VVIP और 8 VIP सूट है। इसके साथ ही 224 वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बिहार सदन ने 200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला मल्टीपर्पज हॉल भी बनाया है। वहीं कैफेटेरिया में एक साथ 180 लोगों को खाना परोसा जा सकता है। ग्राउंड फ्लोर के बड़े हिस्से में लैंडस्केपिंग की गई है। HDFC बैंक लूटकांड में अब तक एक दंपति समेत इतने लोगों की हुई गिरफ्तारी। 10 जून को हाजीपुर के HDFC बैंक में लूट को अंजाम दिया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी क्रम में बीते दिन पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली, जिसके तहत HDFC बैंक में 1,19,00,000 रुपए के लूट के मामले में एक दंपति को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, इस लूट के पीछे के मास्टरमाइंड समेत 11 लोगों को भी पकड़ा गया। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक लूटे गए 1,02,72,000 रुपए को बरामद कर लिया है, जिसकी जानकारी SP मनीष ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुकेश राम को मुजफ्फरपुर से 10,00,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि एक महिला को वैशाली से 4,00,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के शहरी इलाकों में भी मंडराने लगा बाढ़ का संकट। बिहार में नदियों के पास के जिलों में लगातार बाढ़ की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण अब बाढ़ का खतरा ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश ने गंगा और कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी लाई है। नदी किनारे बसे क्षेत्रों में कटाव तेजी से देखा जा रहा है। वहीं कोसी पार भवनपुरा पंचायत में भी कटाव से लोग मुसीबत से घिरे हैं। कई गांव के अस्तित्व पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही राजधानी पटना में भी गंगा, पुनपुन और सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गांधी घाट और हाथीदह समेत कई जगहों पर गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब है। चंपारण में भी बाढ़ के हालात बढ़ने लगे हैं। यही कारण है कि बाढ़ की संभावनाएं इन इलाकों में भी बढ़ने लगी है। रामविलास पासवान के पुराने पत्र को लेकर लोजपा में शुरू हुआ विवाद। बिहार में लोजपा में पारिवारिक कलह जारी है। चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच लोजपा वर्तमान समय में 2 फाड़ में बटी नजर आ रही है। इसी बीच रामविलास पासवान के एक पुराने पत्र ने फिर से विवादों के दरवाजों को खोलने का काम किया है। यह चिट्ठी दरअसल चिराग पासवान ने खुद ही जारी की है और बताया है कि किस तरह सौरभ पांडे को विवाद का मूल माना जा रहा है। सौरभ पांडे है जिन्हें स्वर्गीय रामविलास पासवान अपने जीवन काल में बेटे की तरह मानते थे और उनके राजनीतिक फैसलों को सही ठहराते थे। इस चिट्ठी को लेकर पारस खेमे की तरफ से बयान पेश किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यह चिट्ठी तो असली है लेकिन उसे फर्जी तरीके से डालकर जारी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पारस खेमे ने यह भी आरोप लगाया है कि इस 4 पेज की चिट्ठी में बाकी के 2 पन्नों को पेश ही नहीं किया गया। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन लाएंगे बिहार में उद्योग की लहर। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जब से उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभाली है तब से बिहार में एक के बाद एक उद्योग की स्थापना करने पर चर्चाएं तेज हो गई है। इसी बीच उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि बिहार में सिरेमिक टाइल्स और ग्लास वर्क से जुड़ी औद्योगिक इकाई को शुरू करने पर तेजी से काम चल रहा है। इसको लेकर सरकार बड़ी कंपनियों के संपर्क में है। इतना ही नहीं, पत्रकारों से बातचीत के दौरान उद्योग मंत्री ने कहा कि NDA की सरकार सूबे के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश को लेकर हमारा विभाग गंभीरता से प्रयास कर रहा है। इसका नतीजा कुछ समय बाद जमीन पर देखने लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम तो जाते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, उनके घर जाकर बेल बजाते हैं, फिर कहते हैं आइए बिहार प्रदेश में उद्योग की आंधी को मिलकर आगे बढ़ाते हैं। बिहार के मशहूर चित्रकार राजीव राज बड़े कैनवास पर दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को। बिहार के जाने माने चित्रकार राजीव राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़े कैनवास पर दिखाने की कसरत शुरू कर दी है। पूर्णिया जिले के रहने वाले ख्याति प्राप्त चित्रकार राजीव राज एक महीने
से इसको लेकर काम कर रहे हैं, जिसके बाद जल्द ही इस कार्य योजना को मूर्त रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार अगले 4 महीने के अंदर ही राजीव राज इसे अमली जामा पहनाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। आपको बता दें, राजीव राज साल 2018 में महज 30 घंटे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 37.5 फीट लंबी और चौड़ी पेंटिंग बनाकर दिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। आईसीसी पर भड़के वीरेंद्र सहवाग। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच को लेकर बारिश के कारण काफी सारी परेशानियां पहले ही उत्पन्न हो गई हैं, जिसके बाद अब लोगों के बीच भी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि बैट्समैन को भी टाइमिंग नहीं मिली ढंग की और आईसीसी को भी। दरअसल वीरेंद्र सहवाग ने अपने इस ट्वीट के जरिए आईसीसी को लताड़ा है। आपको बता दें कि फाइनल टेस्ट के पहले दिन भी जमकर बरसात हुई थी और खेल नहीं हो सका था, जबकि दूसरे और तीसरे दिन के खेल में भी बारिश ने खलल डाला था। फिर चौथे दिन को पूरी तरह से बारिश ने धो दिया, वहीं आज 5वां दिन है। भारत में 91 दिन बाद कोरोना के मिले सबसे कम मामले। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। सोमवार को पिछले 91 दिनों में सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 42,640 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 81,839 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान 1,167 मरीजों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 86,16,373 लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का 28,87,66,201 पर पहुंच गया है। भारत में कोरोना के 42,640 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,99,77,861 पर पहुंच गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार सरकार आने वाले 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।